Good morning, my dear students. Today we will start our new chapter of geography, major landforms. And these landforms form by the rivers, glaciers or wind. As you can see, कि अर्थ का जो नेचर है वो डायनेमिक है. अर्थ में चेंजेस आते रहते हैं, टाइम टू टाइम जो है इरोजन या फिर डिपोजिशन होता रहता है. और कई ऐसे डिजास्टर भी आते हैं लाइक अर्थक्वेक. अर्थक्वेक से या फिर उसका जो लैंड फॉर्म्स हैं वो बन जाती हैं या फिर बिगड़ जाती हैं. तो अर्थ इज़ अ डायनेमिक इन नेचर्स, मीन्स इनमें चेंजेस जो हैं वो आते हैं बिकॉज ऑफ द इरोजन एंड द डिपोजिशन. लुकिंग एट द लैंड फॉर्म्स यू माइट थिंक दैट दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. कि आप कई बार ऐसी लैंड फॉर्म्स देखते हो और उनको देखा होगा कि सरफेस पर जो है कभी बन जाती हैं, कभी उनमें इरोजन हो जाता है. द सर्फेस ऑफ अवर प्लानट इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग. हमारे अर्थ सर्फेस का जो है वो चेंजेस आ रहा है, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ये सडन चेंजेस हैं. बट रिवर्स और ग्लेशियर, विंड, ये जो चेंजेस लाते हैं ये लॉन्ग टर्म में चेंजेस लाते हैं. वोल्केनिक इरप्शंस से जो होगा वो लैंड एट प्रेजेंट मीन्स सडनली ही चेंज हो जाता है, वोल्केनिक इरप्शन हो या फिर अर्थक्वेक हो. बट लॉन्ग टर्म में जब स्लो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस किस वजह से आते हैं, वो चेंजेस लाते हैं रिवर्स और विंड्स एंड ग्लेशियर्स. द फॉर्मेशंस ऑफ अ वैली और ए गॉर्ज इज इट्स बेस्ट एग्जाम्पल्स. मीन्स अगर रिवर जो है वो इरोजन करती है तो या फिर वैली बनती है या गॉर्ज बनते हैं. ये जो इरोजन होता है ये वर्टिकल होता है, राइट, ऊपर से नीचे. वर्टिकल जो इरोजन होता है उससे वैली या गॉर्ज बनते हैं. द लैंड फॉर्म्स आर बीइंग कॉन्टिन्यूसली वॉन अवे बाय टू प्रोसेस. अगर लैंड फॉर्म में जो चेंजेस आते हैं, जो अर्थ सरफेस पर चेंजेस आते हैं, उसके पीछे टू रीजंस हैं. वहाँ दो प्रोसेस जो हैं वो काम करते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है वो वेदरिंग है. वेदरिंग क्या होता है, यू कैन सी द पिक्चर. कि वेदरिंग क्या है, इट इज़ क्लियर टू यू टू सी द पिक्चर. की वेदरिंग से जो मटेरियल एक जगह पर पड़ा है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, और पीसीज में डिवाइड हो जाता है. हेयर यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एज रॉक्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ज्योग्राफ्स आर जियोस्फेयर आर ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉलर पीसीज. उस प्रोसेस, वो प्रोसेस जिससे जो अर्थ सर्फेस पर रॉक जो है वो पार्टिकल्स में, अदर पार्टिकल्स में ब्रोकन डाउन मीन्स टूट जाती हैं और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, दे आर द स्मॉल पीसीज. एंड इरोजन इज द मूवमेंट ऑफ वेदर रॉक बाय द नेचर फोर्स. नेचर फोर्स मैंने आपको बताया कि विंड, ग्लेशियर और रिवर, ये नेचुरल फोर्स हैं जो वेदरिंग में वेदर्ड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह की ओर मूव करके ले जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है. यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन. की वेदरिंग में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह पर टूटकर किससे, वहाँ केमिकल रिएक्शन भी होते हैं और साथ साथ में एक जो है टूट भी जाते हैं टेम्परेचर से, हीट से. और प्लांट्स अगर उसमें कोई ग्रो कर जाते हैं तो भी वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, दैट इज़ द वेदरिंग. बट इरोजन में क्या होता है कि जो वेदरिंग मटेरियल होता है, टूटा हुआ जो मटेरियल होता है, वो डिफरेंट जो एजेंट्स हैं, रिवर्स, विंड और मूविंग आइस, वो एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट कर ले जाते हैं. इरोजन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि प्लेसेस पर प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करे जाते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं दैट आर द नेचुरल बैरियर्स टू फ्लोइंग वाटर्स. मींस अगर वाटर फ्लो करता है और साथ में नेचुरल बैरियर्स एज ए आप प्लांट ग्रो करते हो, तो उस एरिया में जो है वाटर का फ्लो जो होगा वो कम होगा. लाइक जो फ्लड आता है उसमें जो इसके प्लांट्स हैं वो बैरियर का काम करते हैं, उसे रोकते हैं इरोजन होने से. अगर किसी भी एरिया में प्लांटेशंस हैं या ट्रीज हैं तो उसे रोकेंगे उसका इरोजन, उस लैंड का इरोजन होने से. सो कटिंग ऑफ द एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्स. अगर हम फॉरेस्ट की एक्सटेंसिव कटिंग करते हैं, लार्ज स्केल में उसकी कटिंग करते हैं, तो उसके पीछे क्या होता है, इरोजन जो है वो हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है.
वर्क ऑफ ए रिवर, इफ यू टॉक अबाउट द रिवर्स वर्क, तो रिवर क्या वर्क करती है? रिवर इरोजन भी करेगी, रिवर डिपोजिशन भी करेगी और साथ ही साथ उसका ट्रांसपोर्ट भी करेगी. हेयर यू कैन सी द वर्क ऑफ रिवर्स, राइट. जो इरोडेड मटेरियल है ट्रांसपोर्टेड बाय द रनिंग वाटर, ठीक है, रिवर उसे ट्रांसपोर्ट करती है एंड द इरोड करती है, इरोजन करती है रॉक्स को, एंड द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल इज ऑल्सो डिपोजिट. तो यहाँ क्या हो गया, इसका वर्क क्या है, डिपोजिशन है, इरोजन है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन. ये तीनों वर्क रिवर के होते हैं. रनिंग वाटर इज परहैप्स द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ इरोजन. द रेन कॉजेज सम वाटर टू फ्लो इन स्मॉल स्ट्रीम्स. रेन जब होती है, रेनफॉल जब होती है, तो उससे क्या होता है कि रेन वाटर जो है वो फ्लो करता है इन स्मॉल स्ट्रीम्स और साथ में ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन होकर वो एक बड़ी स्ट्रीम, बड़ी रिवर में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्या होता है उससे, उससे इरोजन होता है. लार्ज स्केल में जो इरोजन्स होते हैं वो रिवर्स ही करती हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक, यू कैन सी द स्ट्रीम्स फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स एंड जनरेट वन रिवर. इट इज क्लियर टू यू कि वॉट इज सोर्स. सोर्स इज द एरिया और अ प्लेस वेयर द रिवर ओरिजिनेट, जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, मीन्स जहाँ से स्टार्ट होती है उसे हम सोर्स कहते हैं. एंड द लास्ट वन यू कैन सी कि इट इज माउथ. माउथ क्या होता है कि वेयर द रिवर्स जॉइंस द अनदर वाटर बॉडी, लाइक ओशंस में मिल जाती है या फिर किसी भी लेक में, तो उसे हम क्या कहेंगे, माउथ कहते हैं. हेयर इज डेल्टा. यू कैन क्लियर टू अंडरस्टैंड दैट द डेल्टा इज अ एरिया वेयर सेवरल चैनल्स ऑफ रिवर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज. मीन्स जो रिवर है वो डिवाइड हो जाती है इंटू मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो ये डेल्टा होता है, राइट. अगर स्टार्टिंग में माउंटेन से रिवर जनरेट होती है, दैट इज सोर्स, तो कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स जो है जनरेट होती हैं. फर्स्ट इज वी शेप्ड वैली. वी शेप्ड वैली, वॉट इज वी शेप्ड वैली? वी शेप्ड वैली जो फॉर्म होती है वो वर्टिकल इरोजन से होती है. अगर रिवर जो है वर्टिकल इरोजन करती है लाइक दिस वर्टिकल, तो ये दो शेप बनाती है, वी शेप्ड वैली और आई शेप्ड वैली. आई शेप्ड वैली अगर जनरेट होती है, फॉर्म होती है, तो उसे हम गॉर्ज कहते हैं. इट इज वेरी डीप एंड नैरो वैली एंड इट इज फॉर्म व्हेन ए रिवर इरोड्स वर्टिकली. क्लियर टू यू? एंड इन हिली रीजन्स, हिली रीजन्स में क्या होता है कि माउंटेन्स जो इरोजन करते हैं वो वर्टिकली करते हैं, क्योंकि उनके जो स्लोप्स होते हैं लैंड का वो स्टीप होता है, तिरछा होता है. एंड रिवर कैरीज अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी की अमाउंट या वॉल्यूम जो है पानी का वो कम होता है. स्ट्रीम्स, नैरो स्ट्रीम्स में ये फ्लो करते हैं और आगे जाके जॉइंट होकर एक लार्ज स्ट्रीम बनाते हैं जिसे हम रिवर कहते हैं. और इसका इरोजन जो होता है वह वेरी हाई स्पीड होती है इरोजन की, तो इससे जो लैंडफॉर्म बनती है वो वी शेप्ड वैली बनती है. अगर आपको, अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे, जो ग्लेशियर जो फॉर्म करते हैं वो यू शेप्ड वैली करते हैं, क्योंकि जो वी शेप्ड वैली है उसमें क्या होता है, वाटर जो है इजीली पास आउट होता है. बट अगर ग्लेशियर है, ठीक है, फ्रोजन आइस है, तो उसे क्रॉस करने में जो है ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, इसलिए वो यू शेप्ड वैली बनाते हैं. गोज क्या है? इट इज़ ए नैरो वैली. अगर वी शेप्ड से भी नैरो होती है, दैट इज़ द आई शेप्ड वैली. इट इज फॉर्म वेन अ रिवर इरोड्स वर्टिकली थ्रू द हार्ड रॉक्स. दिस वैली इज शेप्ड लाइक द लेटर आई, सो दैट इज इट इज कॉल्ड द आई शेप्ड वैली. क्योंकि ये नैरो होती है, इसकी शेप आई की तरह होती है, इसीलिए इसे हम आई शेप्ड वैली कहते हैं. द सेकेंड लैंडफॉर्म इज वॉटरफॉल, एंड वॉटरफॉल इज फॉर्म्ड बाय द वर्टिकली इरोजन ऑफ रिवर. अगर सडनली रास्ते में रिवर के ऐसी लैंडफॉर्म आ जाती है जिसमें इरोजन हो जाता है, जो वर्टिकली पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, तो आगे की लेयर अगर वीक है, लाइक सेडिमेंटरी रॉक है, तो उसका इरोजन इजीली हो जाता है. दैट्स वाई जो उसके वे में फ्लो करते हुए वो हाई
हाई से नीचे की ओर फ्लो करता है, तो दैट जनरेट्स द वॉटरफॉल. वॉटरफॉल इज द सेकेंड लैंड फॉर्म. एंड सडनली अगर किसी एरिया में फॉल्ट आ जाता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वॉटरफॉल. सडनली द स्लोप ऑफ द रिवर बेड ड्रॉप्स एंड वॉटरफॉल इज फॉर्म. इससे क्या होता है कि जो रिवर बेड होता है उसका स्लोप जो होता है वो स्टीप हो जाता है, तिरछा हो जाता है और वॉटरफॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि अफ्रीका में विक्टोरिया फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. द अदर एग्जाम्पल्स आर द एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका एंड यू ऑल नो अबाउट द नियाग्रा फॉल इन नॉर्थ अमेरिका. देर आर टू और थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ वॉटरफॉल. रैपिड्स, वॉट इज रैपिड्स? इफ यू कैन सी दिस पिक्चर इट इज क्लियर टू यू कि रैपिड्स क्या होते हैं. रैपिड्स इज द मियांडर्स, मीन्स अगर रिवर फ्लो करती है लाइक zigzag फॉर्म तो ये रैपिड्स होते हैं. ठीक है, अब आप इस पिक में भी शो कर देख सकते हो कि ये मियांडर्स बनाती हैं अपने वे में. मियांडर्स बनाएंगी, ऑक्सबो लेक बनाती हैं रिवर्स. ठीक है, लेविस बनाती हैं, लेगून बनाती हैं और लास्ट में जो है वो फॉर्मेशन डेल्टा की होती है. हियर रैपिड इज द टर्म गिवन टू द स्टीप स्लोप्स सेगमेंट्स ऑफ द स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑन एंटरिंग द प्लेन. जब भी रिवर एंटर करती है इन द प्लेन एरियाज द फ्लो ऑफ द रिवर इज नो लॉन्गर स्विफ्ट, मीन्स इसकी स्पीड में कुछ चेंजेस आते हैं. जो हाइयर स्पीड माउंटेन्स में होती है वो लैंड एरियाज में, प्लेन एरियाज में कम हो जाती है ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन एंड मियांडर्स आर द फॉर्म. इससे क्या होगा, अगर उसके रास्ते में इरोजन होगा, अगर वो अपने वे में इरोजन करती है मेटीरियल्स का, तो मियांडर्स बनते हैं, zigzag फॉर्म बनती है जो मियांडर्स कहते हैं. व्हेन द फ्लोर ऑफ द रिवर वैलीज वाइडन, इसमें क्या होता है प्लेन एरियाज में जैसे ही रिवर एंटर करती है तो इसका एरिया एक्सटेंड हो जाता है, वाइड हो जाता है, फैल जाता है. रिवर्स में ट्विस्ट आ जाते हैं, लूप्स बन जाते हैं, यानी उसका जो zigzag है फॉर्म में वो जो फ्लो करने लग जाती है क्योंकि उसके रास्ते में कई इरोडेड मटेरियल जो है उसे एज ए बैरियर का काम करते हैं, उसे रोकते हैं जिससे वो अपना वे जो है वो चेंज कर लेती है. द मियांडर लूप्स बिकम ऑलमोस्ट सर्कुलर, ये सर्कुलर होते हैं एंड ड्यू टू द कॉन्टीन्यूस इरोजन. कॉन्टीन्यूस इरोजन होते रहने से और डिपोजिशन भी साथ साथ होता रहता है, अगर उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है तो डिपोजिशन भी साथ में स्टार्ट हो जाता है. तो वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो जो इरोडेड मटेरियल होता है उसके वे में रहता है वो एक दूसरे से साथ में जो है उसका वे बदलने के लिए, उसका रास्ता बदलने के लिए इरोडेड मटेरियल उसे रोकता है जिससे मियांडर्स बन जाते हैं. और थोड़े टाइम बाद ये स्ट्रिप्स जो होती है ज्यादा इरोजन मटेरियल के डिपोजिशन होने से ये अपना रास्ता उस एरिया से मियांडर से चेंज कर लेती है. देखो ये अगर ये यहाँ फ्लो कर रही है, अगर इसका वे यहाँ है, अगर इसके रास्ते में इसके वे में कोई इरोडेड मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है तो अपना वे चेंज करके ये दूसरी जगह को फ्लो करना स्टार्ट कर देती है जिससे एक अलग पार्ट जो है उसका बनकर रह जाता है, सर्कुलर लूप बनकर रह जाता है कम्प्लीटली जो कट होता है पूरे रिवर फ्लो से. तो इस एरिया को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं. राइट, द नेक्स्ट लैंडफॉर्म्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर.